सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा जो हमें प्यार और पालना देकर अव्यक्त फरिश्ता बनाना चाहते हैं, तो बाबा आज कह रहे हैं सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। विशेष शिव जयंती के अवसर पर बाबा ये मुरली हम बच्चों को ज्ञान शिक्षाएं, ज्ञान पढ़ाई जो उन्होंने दिया है, तो बाबा कह रहे हैं त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चों के मस्तक पर तीन तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। मतलब मधुबन जब आए बाबा ने ये मुरली चलाया कि त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योतिर्बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर तीन बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। ये तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन तीन बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार तीन बातों में है, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। बाबा कहते हैं आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु, बिंदु की जयंती मना रहे हो, बिंदु बन मना रहे हो। सारा प्रकृति का खेल भी दो बातों का, एक बिंदु और दूसरा लाइट ज्योति का। बाप का श्री बिंदु नहीं लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। रचता भी ज्योतिर्बिंदु है और आप भी हीरो पाटधारी ज्योतिर्बिंदु हो, ना कि सिर्फ बिंदु हो। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो एक सेकंड में संसार संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन है उन सब का आधार क्या है? लाइट। रचिता स्वयं भी लाइट है लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं, लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं से पद्मा पदम भाग्यवान हैं? तो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे। कभी सपने में भी संकल्प नहीं था दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? बाप कहते हैं पहले आप। कितना ऊंचा सोमन दे रहे शिव बाबा कि मेरे से भी तुम ऊंचे हो। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? इसलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहन दिल विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना, शुभ कामना से विश्व को आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा, सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। बाबा कहते हैं जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ क्या है? सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। जब सेवा के प्लान बनाते हो यही उत्साह रहता है कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई वंचित नहीं रह जाए, बाप का वर्षा सबको मिले, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव हो, ये संकल्प रहता है बच्चों में। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है? बाबा बोलते हैं
यह प्राइम मिनिस्टर है, यह राजा है, यह दिखाई देता है। या आत्मा से मिलते ही वो देखते हो कि यह आत्मा है, शुभ भावना उठती है ना कि आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंचली ले ले, इस संकल्प से मिलते हो ना, कहते हैं इस संकल्प से मिलना है कि इस आत्मा को प्राप्ति, ना कि उसका अभी जो स्टेजेस है वो अनुभव करना है। अब यह शुभ भावना उत्पन्न होती है तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को प्राप्ति का अनुभव का बल मिलता है। आपकी शुभ भावना है लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। यह हमें अनुभव करना है, प्रैक्टिस करना है कि बाबा ने कह दिया हमारे संकल्प में बहुत ताकत है। सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प, चाहे बोल, उत्सव है। क्योंकि उत्साह से करने से क्या होगा, उत्साह दिलाते हो, इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। जब किसी को थकावट होती है वह दिल सुस्त होती है तो दुनिया में क्या करते हैं, कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं, कहते हैं आज माथा बहुत भारी है इसीलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही होता है मौज मनाना, खाओ पियो मौज करो, यह उत्सव है। ब्राह्मण को तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? यहां मधुबन में जब मनोरंजन प्रोग्राम करते हो भले 11 बज जाते हैं तो भी बैठे रहते हो, हाँ क्लास में 11 बज जाए तो आधा क्लास हो जाता है। बाबा कहते हैं मनोरंजन अच्छा लगता है तो सेवा भी उत्सव है, इस विधि से सेवा करो। स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो, और आत्माओं में भी उत्साह लाओ। तो क्या होगा, जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसा उत्साह है बाप पूछ रहे हैं, वह श्री मधुबन तक है, वहां जाने से फिर सरकंटस दिखाई देंगे। माना मधुबन में आए तो उत्साह है, मधुबन से अपने लौकिक परिवार में गए वहां वैसे ही उसी स्थिति में स्थिति हो जाएंगे, मतलब उसी रंग में रंग जाएंगे, ऐसे तो नहीं है बाबा पूछ रहे। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है, उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। बाबा कहते आज उत्सव मनाने आए हो ना शिव जयंती के लिए, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा जो उत्सव है वो कौन सा है, शिव जयंती। कहते हर घड़ी उत्सव है आपका, यह अंडरलाइन करने आए हो, ताकत भी है ना, मानो शरीर में भी शक्ति नहीं है व धन की शक्ति में कमी है, फिर भी उत्साह अगर है तो सेवा में आगे बढ़कर अनेक आत्माएं सहयोगी बनने के लिए आएंगे। बाकी उत्साह ऐसे चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएंगे, जिसे भक्ति में कहते हैं ना हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है, हिम्मत उत्साह को धूल को भी धन बना देता है, इतना परिवर्तन हो जाता है। बाबा कहते हैं उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार के प्रभाव नहीं पड़ सकता, आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा ना कि उस कमजोरी आत्मा का आपके ऊपर पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बाप दादा खुश हैं, अच्छी लगन से सेवा के प्लान्स बना रहे हो, संस्कारों को मिलना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना। बाप दादा देख रहे हैं संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे थे, अच्छी खुशबू आ रही थी, तो सदा ऐसे ही रहना है, उत्सव मनाना है, उत्सव में रहना है। खुद ना भी करो तो दूसरों को उत्साह में दिलाओ, तो दूसरों का उत्साह आपका भी उत्साह दिलाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं निमित बने हुए बड़ों को यही काम करना है, दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं में उत्साह लाना। बाबा कहते हैं कभी बाय चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपका भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। तो ऐसी सेवा करनी है,
तो बाबा आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अकल्याण के सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि बाबा। ड्रामा में जो भी होता है वो कल्याणकारी, क्योंकि कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय के स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान ना हो, कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। आज के मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए हमें सौमान लेना है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मेरा हमेशा कल्याण हो रहा है और मुझे भी सबका कल्याण करना है। तो मुरली की इतनी सुंदर बातें को ध्यान रखते हुए बाबा को निरंतर याद करना है, मैं बाबा का बाबा मेरा। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।